सुप्रभात जोहार, मेरा नाम है रविशंकर टुप्पो, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जोहार मास्टर जी। आज मैं जा रहा हूँ रांची के फेमस यूट्यूबर और फूड ब्लॉगर नीतीश एंड कुजीन की यूट्यूब मीटअप प्रोग्राम में, जो रविवार 23 सितंबर 2024 को आयोजित किया गया है। तो आइए इस ब्लॉग के माध्यम से हम देखते हैं कि इस मीटअप प्रोग्राम में क्या हो रहा है, तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में। आप देख सकते हैं ये फिदायलाल बैंकेट हॉल का ये एंट्री गेट है, आप इसी से प्रवेश अंदर की ओर लिया जाएगा। एक खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ है। आप देख सकते हैं पूरा अंदर का खूबसूरत नज़ारा, काफ़ी खूबसूरत तरीके से पूरे मैदान में टेबल कुर्सियाँ सजाई गई है। लोगों की धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही है। यह पूरा होटल का नज़ारा, देख सकते हैं। हॉल का एंट्री गेट हुआ, देख सकते हैं। हॉल के अंदर का नज़ारा कुछ इस तरह से है। काफ़ी शानदार तरीके से कुर्सियां सजाई गई है। डांस करने के लिए पूरा साउंड बॉक्स वगैरह की व्यवस्था कर दी गई है। और ये आप देख सकते हैं कुर्सियाँ, आप देख सकते हैं कि लोगों की संख्या काफ़ी संख्या में बढ़ती जा रही है। पूरा कैंपस भर चुका है और लोग धीरे धीरे इस मीटअप में आने की तैयारी में है, आ ही रहे हैं लोग। हम लोग ना सबके साथ एक एक फोटो करेंगे और सबके जिसके जिसके वीडियो में है हम लोग सबके में बोलेंगे, क्योंकि एक घंटा हम लोग पूरा उसी के लिए, हम लोग का प्रोग्राम 4 बजे से शुरू होगा, 3 बजे हम लोग आप लोगों से बात करने के लिए रखे हैं, ठीक है। हम बोल रहे थे कि थोड़ी देर हम लोग बस अंदर चले चलिए, अभी ज़्यादा हम लोग अंदर जाएंगे और नीतीश भाई आ चुके हैं। नीतीश जी का अंदर जाने का आदेश हो चुका है और हम लोग अब अंदर जाकर बैठते हैं और ये हम लोगों से पर्सनली मिलेंगे। काफ़ी अच्छा मोमेंट है, पहली बार मैं किसी यूट्यूबर मीट में आया हुआ हूँ। और सबको दिखेगा नीतीश भाई का क्रेज, जो कि रांची के बहुत ही फेमस है। काफ़ी संख्या में महिलाएं भी यहां पर आई हुई, आप देख सकते हैं पूरा, बस यही उन्होंने पोस्ट भी किए थे, तो अभी वही चीज़ से धोना चाहेंगे। मैं कई बार बोल चुका हूं हम लोग करेंगे। ये थाली
सभी लोगों ने निर्धारित सीट अलॉट किया गया है, इसका हमें सीट पर रहे। आगे की कुछ सोफा है स्पेशल गेस्ट को निर्धारित की गई है। चीज़ों को आप जिस प्रकार का रिप्रेजेंट करते हैं वो बहुत ही अच्छी बात है, और मुझे गर्व होती है कि हम सब झारखंड में हैं और हमारा झारखंड आपके फ्रूट से नॉट ओनली झारखंड नॉट ओनली इंडिया लेकिन आप ऑल ओवर द वर्ल्ड से देखते हैं कि फॉरेन से लोग आ रहे हैं आपके पास में मिलते हैं। ये गर्व की बात है कि हमारा झारखंड आज बहुत ही उच्च स्तर पर चला गया है। थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर 200K। थैंक यू सो मच। थैंक यू कि आप आए, अच्छा लगा कि आप इतना काम कर रहे हैं यूट्यूब में। मुझे लगता है बाकी लोग से बात करेंगे तो आपसे बहुत लोगों को सीखने को मिलेगा। थैंक यू। अभी हम फोटो एक बार इनका चैनल का सर से बात कर रहे हैं। क्या है, कहाँ से आए हैं, चैनल का नाम? मेरा नाम कुमार हुआ, पूरा सेटअप झारखंड। कितने सब्सक्राइबर है सर? अप्रोक्स 5 लाख होने वाले हैं, 4 लाख। ताली बजती है, बहुत मेहनत किया है। न्यूज चैनल जी, मतलब कि बेसिकली झारखंड का जो थोड़ा बहुत खबर है तो उसको लोग दिखाते हैं कि हर जिले का ऐसा खबर लोगों को दिखाते हैं कि घर वाले को जान रहे हैं कि झारखंड में चल रहा है, गैस से रिलेटेड बाकी मॉडल से लेकर और गैस रिलेटेड सब कुछ दिखाते हैं। थैंक यू फॉर कमिंग। आपका नाम क्या है, चैनल पे अभी कितने सब्सक्राइबर हैं? जी मेरा नाम राज बराव है और मेरे चैनल का नाम राज बराव क्रिएशन है और रिसेंटली मेरे 2,000 हमारे साथ में है झारखंड यात्रा। एक टॉपिक हम लोग चूज कर लेते हैं, ठीक है, कि थंबनेल हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो थंबनेल बनाने के लिए कोई एक हाथ उठाइए जो आपको लगता है कि क्या सही तरीका है। थंबनेल किसको बोलते हैं समझ रहे ना, पोस्टर जो शुरू में आता है उस पे बात कर रहे हैं। आप लोग ऑडियंस में से भी किसी को लगता है कुछ एक सुझाव तो दे सकते हैं, हाथ उठा के। एक माइक हम लोग ऑडियंस में दे देंगे। थंबनेल बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए? मेरा थंबनेल अगर आप लोग देखिएगा तो हम क्या करते हैं कि थंबनेल में जब लिखते हैं तो हम हिंदी में लिखते हैं। क्यों हिंदी में लिखते हैं, मेरा ये अपना सोच है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी में जैसे मेरी माँ है तो इंग्लिश नहीं पढ़ती है, तो हमको लगता है कि वो हिंदी तो पढ़ेगी, और जो इंसान इंग्लिश पढ़ता है वो हिंदी तो पढ़ ही लेता है, तो दोनों के लिए वो हो जाता है हिंदी, इसलिए हम हिंदी लिखते हैं, ठीक है। रांची में हुआ यूट्यूबर मीटअप या ऐसा कुछ भी इसमें देख सकते हैं कि सारे यूट्यूबर एक साथ आए, ठीक है, रांची के सारे यूट्यूबर, ऐसा करके हम हिंदी में लिखेंगे, ठीक है। और उसमें हम लोग कुछ ऐसा पिक्चर डालेंगे जो एक पिक्चर, कई बार हम लोग ना 3-4 छोटा छोटा पिक्चर को थंबनेल में डाल देते हैं, तो एक फोटो हो या दो फोटो हो क्लियर हो तब थंबनेल आपका अच्छा लगेगा। फोटो होना चाहिए और जो फॉन्ट आप यूज कर रहे हैं लिखने के लिए वो थोड़ा ब्रॉड होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए जिससे स्पष्ट दिखे और लोग अट्रैक्ट हो, तो उसको क्लिक करें। तो अभी से जो थंबनेल बनाइएगा बड़ा बड़ा लिखिएगा और लंबा सेंटेंस मत लिखिएगा कि रांची में गए थे तो वहाँ एक यूट्यूबर मीटअप हुआ, इतना लंबा नहीं लिखना है, रांची का यूट्यूबर छोटा सा लिखना है। आज आप बताइए कुछ थंबनेल को लेकर। मतलब ऐसा तो बड़े ज़्यादा आई कैचिंग होना चाहिए, मतलब जैसे लोग देखें उसको टैप करके लिखें, बट मुझे लगता है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक वाइज जरूर होना चाहिए। जैसे कि आपने एक्सप्लेन किया कि अगर यूट्यूबर मीटअप हुआ है तो बेसिकली लोग ये देखना चाहेंगे तो रांची में हुआ यूट्यूबर मीटअप, ये बहुत ही काफ़ी है, और मतलब इतना होना चाहिए कि लोगों को जिज्ञासा भी आए कि ऐसा कुछ लिखिए कि उसमें लोगों को खोलने में जिज्ञासा आए, ठीक है। और एक चीज़ मैं बता दूँ कि कभी कभी हम लोग नेट से डाउनलोड करके थंबनेल पे तो लगा देते हैं लेकिन अंदर वो फोटो नहीं होता है, तो वो गलती मत कीजिएगा। जो हुआ है यही का फोटो है तो यही का डालिए, मेरे पास जो खींचा हुआ फोटो है उसी को यूज करेंगे, डाउनलोड करके लगाना गलत होता है, ठीक है। तो और थंबनेल के बारे में कोई और कुछ बताना चाहेंगे ताकि हमारे यूट्यूबर्स को मदद मिले? कोई और? हाँ
आइए बताइए, एक माइक बादल, एक माइक इनको दिला दो। हाँ बोलिए, थंबनेल के बारे में बोलिए। कुकिंग चैनल है तो उससे रिलेटेड मैं बता सकती हूँ यहाँ पे ज्यादा। कुकिंग चैनल में आजकल क्या हो रहा है ना कि थंबनेल में कुछ और होता है, अंदर कुछ और होता है, तो इससे लोग क्लिक तो कर लेते हैं लेकिन आपका वीडियो वॉच नहीं करते, इससे आपका कोई फायदा नहीं, आपका वॉच टाइम कम होगा, बर्निंग बिल्कुल नहीं होगा, तो ऐसा प्लीज ना करें। मतलब मैं अपने चैनल को बिल्कुल नहीं करती हूँ, जो भी होता है जैसा होता है, मेरा खुद का फोटो होता है और खुद का खाना होता है, किसी का कोई कॉन्टेंट नहीं होता है। हाँ तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन आपके 2 लाख सब्स के लिए, और मैं ये थंबनेल के लिए बोलना चाह रहा हूँ कि जो मैंने अपने चैनल पे बहुत बार ट्राई किया, डिफरेंट डिफरेंट थंबनेल्स ट्राई किया, तो आप जब चैनल का जो आपका मेन कवर होता है और प्रोफाइल होता है, आप एक थीम रखिए, अगर आप ब्लू कलर यूज कर रहे हैं, ब्लू रखिए, ऑरेंज कलर यूज करें, और हर एक थंबनेल का थीम एक होगा तो ऑडियंस समझ जाएगी कि हाँ उसी का वीडियो, और अगर आप कॉन्टेंट अच्छा बना रहे तो फिर वो क्लिक करेंगे तो उसे ऑडियंस का टेंशन भी ज्यादा। वो ये है कि नीतीश को तो सब जानते हैं, ऐसा तो है ही नहीं कि नीतीश को कोई जानता नहीं है, तो लाइक हमारा ये जो इंटरव्यूट है, ऑफ कोर्स ऑल बाय नीतीश, ऑल थैंक्स टू नीतीश, तो सबसे पहले नीतीश को बहुत बहुत बधाई हो, कांग्रेचुलेशन, एंड अब मैं हमारे द वन एंड ओनली आवर हीरो नीतीश एंड कुसुम को स्टेटमेंट माइक करना चाहती हूं। मैं नीतीश को सो मच थैंक यू सर, एक बार आ चुकी है और ये पता है ये कहां से आई है, कोई गेस करेंगे? ये स्पेशल इवेंट के लिए मुंबई से आई है, थैंक यू सो मच। अभी हमारा केक कटिंग होगा और उसके बाद हम लोग प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, तो केक इसको ये थोड़ा सा सेट कर दीजिए। तो आज ये वो काम हासिल करना बहुत मुश्किल था, तो थैंक यू। और यहाँ पे बादल और बिट्टू भैया मेरे कजन जो शुरुआत से हमें इतना सपोर्ट किए हैं, बादल को आप लोग हमारे बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस में देखे होंगे, और बादल और बिट्टू हमारे कजन हैं, तो इनका साथ भी थ्रू आउट रहा है, पूरी फैमिली का रहा है, तो थैंक यू सो मच। अब बादल और बिट्टू ये हमारे ऐसे थम है जिनके बिना ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल था, तो सबसे पहले बादल, अभी बादल दिल्ली में रहता है तो इसलिए कुछ वीडियोज में नहीं आ पा रहे हैं, सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ पूरे एजुकेशन कुकिंग टीम का, और पिछले मीटअप में भी मैं बोला था कि बहुत जल्द हम दूसरा मीटअप करने वाले हैं, और आज फिर से वो मौका, हमारा प्रयास और आपका यहाँ पे आगमन और इस मीटअप को ये सफल बनाया, यहाँ पे उपस्थित जितने भी यूट्यूबर्स हैं सबका एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और अगर मैं बात करूँ हमारा चैनल की शुरुआत कब हुई थी, स्ट्रगल का टाइम क्या रहा, वो मैं कई मीटअप में और कई वीडियो में उसकी व्याख्या हो चुकी है। अगर मैं बात करूँ अभी प्रेजेंट की, तो हमारा जो सब्सक्राइबर का जुड़ाव है वो हमारा जो जुड़ाव है सब्सक्राइबर का वो जुड़ता चला जाएगा, इसका मैं 100%। अभी हम लोग का प्रोग्राम बहुत लंबा है, थोड़ी देर में बाहर भी चलेंगे, मौसम बहुत सुहाना हो चुका है, बाहर का और मजा आएगा, स्पेस बाहर में ज्यादा है, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, बस केक कटिंग होता है उसके बाद हम लोग बाहर भी घूम सकते हैं। आज इस नामी की लगन एक बार जोर से चिल्ला दीजिए।
फैमिली कह लीजिए, हमारी कम्युनिटी कह लीजिए, हमेशा साथ रहेंगे और कोशिश यही है कि हम लोग एक दूसरे का साथ दें। तो कटिंग हो चुका है और सारे लोग हैं, पहली मोबाइल लग रहा हूँ। ठीक है, अभी सारे लोग बैठ गए, आगे का प्रोग्राम स्टार्ट है, प्रोग्राम होने वाला है वो अगले एक देख सकते हैं लंच के समय कितनी भारी संख्या में यूट्यूबर्स बाहर निकल कर नाश्ता करने के लिए बाहर निकले हुए हैं। काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, आप देख सकते हैं पूरा। आपका रांची बॉय का देख सकते हैं अब नाश्ता कर रहे हैं।
हो गया निकाल लेंगे, हो गया ना, हो गया जे नेचुरल ब्लॉग को भाई जे एच नेचुरल ब्लॉग है, इनके चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि ये ब्लॉग बनाते हैं, ट्रैवल ब्लॉग भी बनाते हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है भाई, जितने लोग भी देख रहे हैं सब्सक्राइब करें। चलो मैं हरी फुल हो गया तुम्हारा आप देख सकते हैं, सभी को यूट्यूबर्स और सभी को नाश्ता करने में पूरी तरह से तल्लीन है, काफी अच्छा व्यवस्था। देख सकते हैं काफ़ी मात्रा में लोग पूरे मैदान में भरे हुए हैं और लंच का आनंद ले रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो कोई शादी की पार्टी चल रही हो, लेकिन ये नीतीश जी की यूट्यूबर मीट वाली पार्टी है। सारे यूट्यूबर को एक जगह ला करके खड़ा किया है और सबसे मिलवाया है, विजिट करवाया है। और ना हमारा मकसद क्या है कि एक दूसरे से यूट्यूबर्स मिले, हम लोगों का मकसद था कि कोई वीडियो ना बनाए कुछ ना करे पर एक दूसरे से मिले, पता है ना, क्योंकि बहुत कोई क्या सोचते कि नीतीश क्यों यूट्यूबर मीटअप रखा, इसके पीछे क्या एजेंडा रहा होगा, कुछ तो बहुत तो दिमाग लगाते हैं, पर हमारा ऐसा कुछ एजेंडा नहीं था। हमारा सिंपल सा था कि हम लोग को एक मीटअप रखना है, लोग आए खाए एंजॉय करे अपना आराम से जाए, और छोटे से छोटे जो यूट्यूबर है वो भी अपना सब्सक्राइबर वगैरह फॉलोअर्स वगैरह बढ़ा ले, तो ज्यादा सही है कि एक दूसरे से मिल करके। और ये नीतीश भाई के द्वारा मुझे गिफ्ट मिला ये गेमिंग का, और भाई मेरे चैनल का नाम गैलेक्सी दीपू ब्लॉग्स है, तो सब्सक्राइब है प्लीज। और ना हम लोग इस मीटअप में आप देख रहे होंगे बहुत सारे यूट्यूबर हैं, किन्हीं का तो 1,00,000 सब्सक्राइबर है, किन्हीं का 100 भी सब्सक्राइबर है, तो इस मीटअप में आपको कोई वैसा ये नहीं है, बार नहीं है। और देख सकते हैं सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं, एक बार फिर से घुमाते हैं, खाने पीने में क्या बना है वो भी दिखाएंगे, और कोशिश करेंगे कि एक भी चेहरा छूटे ना, सबको हम लोग अपने फ्रेम में ले, अपने वीडियो में ले, और ऐसा नहीं है कि केवल बड़े यूट्यूबर्स को दिखा रहे हैं, सबको दिखा रहे आप देख सकते हैं कि ये शाम का समय है, कुछ इस तरह का नजारा है चारों ओर का। लोग बेसब्री से खाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, प्रोग्राम अभी चालू है जिस कारण से अभी खाने का वितरण नहीं शुरू हुआ है। देख सकते हैं ये नीतीश एंड कुलदीन यूट्यूब मीटअप, 2,00,000 सब्सक्राइबर।
पार्टी किस तरह से पूरा मस्ती जमा हुआ है, लोग खाने में लगे हुए हैं। ये है यूट्यूबर का पावर। तो दोस्तों अब पार्टी ख़त्म हो चुकी है और हम लोग अब जाने की तैयारी में हैं। आप देख सकते हैं ये गेट है, गेट्स के द्वारा हम लोग निकलेंगे बाहर की ओर जाएंगे। सभी का खाना पीना हो गया और आप देख सकते हैं सारे लोग निकलने वाला गेट है, इससे हम निकलेंगे और जाएंगे। काफ़ी अच्छा रहा आज का प्रोग्राम, बहुत मज़ा आया। इस तरह का मेकअप प्रोग्राम रहने से लोग एक दूसरे से मिलते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हम इसी तरह का वीडियो बनाते रहें।